संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सुबह के सत्र में मैंने सदगुरु कबीर का एक पद कहा था और उसकी तीन पंक्तियों पर निवेदन किया था। पूरा पद एक बार फिर से दोहराते हुए आगे की पंक्तियों पर हम विचार करेंगे। यमते उलट भये हैं राम, दुख बिनते सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता, साकट उलट सुजन भये चीता। अब मोहि सर्व कुचल करी मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तनमह होते कोटि उपाध, उलट भई सुख सहज समाध। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। सदगुरु कहते हैं कि तन्मह होते कोटि उपाध, यदि संत न मिले होते, सदगुरु न मिले होते और उनके द्वारा सच्चा ज्ञान सच्चा रास्ता न मिला होता तो जीवन में करोड़ों उपाधियां होती। ये तो संत गुरुजनों की कृपा है कि सही रास्ता मिल गया, सही बोध मिल गया तो जीवन में जो गलत कर्म हो रहे थे वो छूट गए। जीवन पर्यंत दुष्कर्मों से दुराचरणों से बचकर रहना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, साधना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, दुख देना बंद हो गया, सदाचार का पूरा पालन नहीं हो सकता कोई बात नहीं, दुराचरण बंद हो गया, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। दुराचरण नहीं है, दुर्वचन दुर्गुण नहीं है तो सामान्य जीवन जी रहे हैं अपना, बस मनुष्यता से नीचे तो नहीं गिरे हैं, देवत्व की ओर आगे नहीं बढ़ पाए कोई बात नहीं है, असुरत्व की तरफ तो नहीं गए, यात्रा नहीं हुई, इंसानियत में तो रुक गए हैं और इंसानियत में भी रुक जाना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो तन्मय होते कोटि उपाध, सदगुरु संतों की जो भक्ति करता है सही ढंग से अनेक प्रकार के गलत कर्मों से अपने को बचा लेता है, दुष्कर्मों से बचा लेता है, दुराचरणों से बचा लेता है, गलत खान पान से बचा लेता है। इसे शरीर और मन दोनों में होने वाली जो व्याधियां हैं उससे सहज छुटकारा हो जाता है। आदमी को शरीर का दुख तो है, मन का दुख ज्यादा है। शारीरिक पीड़ा आदमी को है, मानसिक पीड़ा से तो कोई कोई बचा होगा, और वही बचा है मानसिक पीड़ा से जिसे गुरुजनों द्वारा सही रास्ता मिल गया है। तन की पीड़ा से बचने के लिए आदमी क्या क्या करता है, मन की पीड़ा बचने के लिए सोचता नहीं है, स्वभाव मान लेता है, लेकिन किसी भी प्रकार का दुख
किसी भी प्रकार की पीड़ा आपका स्वभाव नहीं है, आपके स्वरूप में नहीं है, वो गलत सोचने का परिणाम है, गलत चिंतन का परिणाम, और ये विवेक से ही दूर होगा। हर मनुष्य के अंदर विवेक के बीज है, और बीज ही नहीं है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मानवेतर जो प्राणी है वे इंद्रिय प्रधान होते हैं, मनुष्य मन प्रधान विवेक प्रधान प्राणी है, बुद्धिशील प्राणी है, और हम हर मनुष्य के पास विवेक है, लेकिन वो सोया हुआ है, दबा हुआ है। अपने विवेक को जो जगा लेता है उसके मन का दुख मिट जाता है। और विवेक कैसे जगेगा? बिना सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग का सहारा लिए विवेक जागृत नहीं हो सकता है। विवेक जागृत करना है तो सत्संग आवश्यकता है, और विवेक जागृत नहीं हुआ तो केवल भटकाव, केवल भटकाव। कबीर साहब ने कहा है, पांच तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाम। पंच तत्वों से निर्मित इस पुतले का नाम मनुष्य रखा गया, लेकिन एक विवेक की कला से बिछुड़ जाने के कारण यह मनुष्य हर जगह विकल हो रहा है, अशांत पीड़ित होकर भटक रहा है। विवेक जागरण संतों की कृपा से, सत्संग से होगा। इसलिए साहब कहते हैं, तन्मह होते कोट उपाद, सदगुरु संत न मिले होते, सच्चा रास्ता न मिला होता तो तन और मन में करोड़ों उपाधियां होती, लेकिन अब वो उपाधियां समाप्त हो गई, मन की पीड़ा चिंता भय सब समाप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? उलट भई सुख सहज समाध। अब मन संसार से उलट कर सहज समाधि में डूब गया। सहज समाधि वह समाधि जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावट न हो। कबीर साहब की जो समाधि है वो सहज समाधि कही जाती है, उनका जो ध्यान है वो सहज ध्यान है कहा जाता है, और सहज ध्यान और सहज समाधि एक ही बात है। और सहज का मतलब जिसमें कोई बनावट ना हो, जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल जिसमें ना हो, कोई पकड़ जिसमें ना हो। सहज मनुष्य का अपना स्वभाव है, सहजता में जीना कठिन होता है, बनावट में जीना सरल हो जाता है, लेकिन सहजता में जीना कठिन है। हम बनावट के आदती बन गए हैं, अपने को कुछ मान लेते हैं, कुछ जोड़ लेते हैं, और मानते मानते अपनी असलियत को भूल जाते हैं। तो बात यहाँ है सहज समाधि। सहज समाधि क्या है? मन का निर्मल होकर अंतर्मुख हो जाना, कोई आधार ना पकड़ना बाहर। वैसे सहज समाधि है संकल्प रहित मन, विचार रहित, विचारहीनता की बात नहीं है, विचारहीनता अलग है बिल्कुल। यहां प्रयास द्वारा विचारों को खाली कर देना है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो साहब कहते हैं, जो मन संसार की तरफ भाग रहा था, रागरंग में डूबा हुआ था, अब वह मन उधर से पलट करके सहज समाधि, आत्मलीन हो गया कहना चाहिए। उस आत्मलीनता को आप ब्रह्मलीनता कहो या कुछ और शब्द जोड़ना चाहो, वो शब्द आप दे दो, शब्दों में लेकर के लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। आप पिछाने आपे आप, अपने आप को अपने आप में पहचान लिया गया। स्वयं को पहचानना ये ब्रह्म को, खुदा को, गाड को, भगवान को, परमात्मा को, निर्वाण को पहचानना है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता, जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं है, उसे किसी ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, उनकी पहचान नहीं हो सकती है। ब्रह्म को पहचानना है, खुदा, गाड को, भगवान को, परमात्मा को पहचानना है, तो स्वयं को पहचानना होगा। और आदमी सबको पहचानता है, अपने को नहीं पहचानता। लोग पूछते हैं, महाराज भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो जो भगवान को खोज रहे हो? कहते हो तो मैं तो कुछ नहीं हूँ। जब आप कुछ नहीं हैं तो भगवान की आवश्यकता किसको है? वह कौन है जो भगवान को खोज रहा है? भगवान को खोजने वाला कुछ तो होगा। भगवान की आवश्यकता किसको है? पहले खोज अपने आप से करो। और जिस दिन भगवान को खोजने वाले का पता चल जाएगा, उस दिन भगवान खोजना अपने आप बंद हो जाएगा। पता चल जाएगा जिसे खोज रहा हूँ वो तो भीतर ही बैठा हुआ है, वो तो मेरा अपना आपा है। तो आप पिछाने आपे आप, अपने आप को अपने आप में पहचान लिया गया। जिसे मैं खोज रहा था वो मुझसे अलग नहीं है। आपका स्वरूप निर्मल है, निर्विकार, शुद्ध बुद्ध है, शांति का, आनंद का सागर है। लेकिन खोज रहे हैं बाहर, और बाहर कितना भी खोज लें मिलेगा नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए पारख राखे साथ। वस्तु कहीं और हो, खोज कहीं और करें, मिलेगी कैसे? इसलिए व्यक्ति वह प्रसन्नतनी है जो अपने साथ में पारख रखता है, जो निर्णय विवेकपूर्वक काम करता है। वह कहानी आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी, फिर से याद करें। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, इसी पर कहानी है। ऐसे ही शाम का समय था, एक बूढ़ी माँ घर में बैठी हुई कपड़ा सिल रही थी। कपड़ा सिलते सिलते किसी काम से उठी, आधा घंटा बाद आई तो अंधेरा हो गया था। सुई खो गई, सुई खोदने लगी कपड़ा सिलने के लिए, सुई मिली नहीं, खोजती रही सुई। अंधेरा थोड़ा और बढ़ा तो बाहर मकान के बाहर सड़क पर बत्ती जल गई। वो बूढ़ी माँ घर से बाहर निकल कर सड़क पर सुई खोदने लगी। कुछ युवक आए, देखा कि बूढ़ी माँ कुछ खोद रही है, सहायता कर दें। पूछा, माँ क्या खोद रही हो? कि बेटा सुई खो गई है, सुई खोद रही हूँ। तो अभी छोटी सी सुई, बूढ़ी माँ दिखाई नहीं पड़ता होगी, इसे हम लोग भी सहायता कर दें। उन युवकों ने भी खोदना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, खोजते खोजते सुई मिली नहीं। तब युवकों ने कहा, माँ सुई कहाँ खोई है, यहाँ तो मिलती नहीं है। कि बेटा सुई तो घर में खोई हुई है। युवकों ने आश्चर्य कहा, जब माँ जब सुई घर में खोज रही हो तो सड़क पर क्यों खोद रही हो? कि बेटा घर में अंधेरा है, सड़क में प्रकाश है, आखिर जो चीज तो प्रकाश में मिलेगी ना। तो घर में सुई खोई हुई है तो बाहर कितना भी प्रकाश हो जाए, घर की सुई तो घर में मिलेगी, बाहर कैसे मिलेगी? घर में प्रकाश जलाना होगा। ऐसे ही आपका परमात्मा, आपका ब्रह्म, आपका खुदा, आपका मोक्ष, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा घट में है, हृदय में है, अंतःकरण में है। खोज रहे हैं द्वारका, काशी, प्रयाग, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर में, कहाँ कहाँ परमात्मा खोया है, खोया क्या विद्यमान है हृदय में।
दिया जला रहे हैं मंदिर में, मंदिर में दिया जलाने से परमात्मा मिल जाएगा क्या? परमात्मा मंदिर में खोया हुआ है? हृदय मंदिर में जलाओ दिया ज्ञान का, भक्ति का, धर्म का दिया, और जब हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जल जाएगा, वहां प्रकाश हो जाएगा, पता चल जाएगा परमात्मा तो बैठा हुआ है, जिसे मैं खोज रहा हूं वो तो बैठा हुआ है। साहब कहते हैं आप पहचानो, आप अपने को पहचानो कि मैं कौन हूं, और जब तक मैं का बोध नहीं होगा, मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं होगा, कभी आप ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गाड़ को समझ नहीं पाओगे। स्वयं से यात्रा शुरू होती है अध्यात्म के क्षेत्र में, यात्रा स्वयं से शुरू होती है और स्वयं में आकर समाप्त होती है। अध्यात्म की मंजिल बाहर कहीं नहीं है, हम राही हैं, रास्ता भी हम ही हैं और हमारी मंजिल भी हम ही हैं, ये बोध होना जरूरी है। तो आप पहचाने आप पे आप, अपने आप को अपने आप में पहचान लिया गया, जिसे खोद रहा था वो तो मेरा अपना आपा है। तब रोग न व्यापे तीनों ताप, अब कोई मानसिक रोग मन को व्यापता नहीं है, स्वयं की पहचान हो गई, मन की चंचलता खत्म, मन चुकी राम बन गया, अब सारा दुख खत्म हो गया। दुख का कोई कारण ही रह नहीं गया, दुख का कारण है बाहर भटकना और मन की गंदगी। स्वयं पहचान लिया भटकना बंद, मन निर्मल हो गया तो कोई कारण नहीं रह गया। साहब कहते हैं स्वयं पहचान हुई, मन अंतर्मुख हुआ तो अब कोई किसी प्रकार का दुख नहीं रह गया जीवन में। अब मन उलटी सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ, अब मन उलट करके सनातन शाश्वत तत्व में लीन हो गया। अभी तक हमारा मन कहाँ डूबा हुआ था? संसार में, शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ भी हम देखते हैं सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, बदलने वाला, परिवर्तनशील है, नित्य रहने वाली वस्तु बाहर कहीं है ही नहीं। जहाँ जहाँ हमारा मन डूबा हुआ है मोह में, माया में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक रस और शाश्वत हो? कोई भी चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं एक रस। सनातन क्या है? सनातन मतलब होता है सब समय एक रस रहने वाला, वो है आपका, आपकी चेतना, आपका अस्तित्व। जब तक मन बाहर डूबा रहेगा, राम में मन लगेगा नहीं, राम में मन टिकेगा नहीं। बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता है निर्वाह के लिए, सेवा के लिए, तो बाहर की वस्तुओं को उपार्जन करना है, व्यवस्था करना है, रक्षा करना है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। उनमें कहीं शाश्वत शांति या सुख नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद का धाम तो सनातन तत्व है। इसी सनातन तत्व को छांदोग्य उपनिषद में नारद को समझाते हुए सनत कुमार ने कहा है, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुख मस्त। नारद और सनत कुमार की कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में। नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने सुना है कि तत्ववेत्ता पुरुष को कोई दुख नहीं होता, तत्ववेत्ता पुरुष शोक से पार हो जाता है। भगवान मैं शोक में डूबा हूं क्योंकि मैं मंत्रवेत्ता हूं, मैं शोक में डूबा हुआ हूं, मुझे आप इस शोक सागर से पार कर दें। तरत शोकम आत्मविद, ये कहा गया है, जो आत्मज्ञानी है वह शोक सागर से पार हो जाता है। तब सनत कुमार ने नारद से कहा है, नारद पहले तुम ये बताओ तुम क्या जानते हो, कितना पढ़े हो? तो नारद ने वहां एक लंबी सूची प्रस्तुत की है, लिखा कि बताना चाहता है इतना ज्ञान नारद को था, लेकिन फिर भी
मन क्लेश में दुख में डूबा हुआ था। तो बताया नारद, मैं ये पढ़ा हूं वो पढ़ा हूं सब बताया। तब सनत कुमार ने कहा, नारद तुम तो केवल नाम को रट लियो, संज्ञाओं को रट लियो, ग्रंथों में क्या है, केवल अक्षर शब्द नाम निर्देश है उसका, उसके लिए तुम तो केवल नामों को रट लिए हो, भगवान नाम तो ऊपर क्या है। तो उन्होंने फिर अब लंबी सूची बताई है, अंत में कहा है, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुख मस्ति, जो भूमा है जो सनातन तत्व तो है, जो सबका आधार है, सुख उसमें है, जो अल्प है, अल्प क्या है, अभी है अभी ना रहे, जो मिले और छूटे, बने और बिगड़े, बदलता रहे, वो अल्प है। जवानी अल्प, जवानी कब तक रहेगी, 16-18 साल से लेकर के 30-32 साल तक की उम्र जवानी की है, किसकी जवानी स्थिर रही है, पद अल्प है, प्रतिष्ठा अल्प है, सारे भोग अल्प हैं, रुपये पैसे धन जमीन जायदाद सब अल्प है, बदलने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। उनमें मन को जितना लगा रमा करके रखेंगे उतना क्लेश, उनका उपयोग करते हुए, उपयोग तो करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए, उपयोग करें। जैसे आप रोग लगने पर दवा खाते हैं, दवा सस्ती भी होती है महंगी भी होती है, कड़वी भी होती है मीठी भी होती है, लेकिन दवा चाहे कितनी महंगी और हो और कितनी मीठी हो, दवा के लिए किसी आदमी के मन में आसक्ति नहीं होती, दवा की आदत नहीं होती है, मजबूर होकर आप दवा खाते हो, और कितने लंबे समय तक दवा खा लो, अंत में दवा के प्रति मोह तो होता ही नहीं है। ऐसे ही दुनिया की जितनी भी चीजें हैं दवा के समान प्रयोग कर लो, मोह नहीं करना है। दवा खरीदते हो, हिफाजत से रखते हो, कहीं फेंक नहीं देते हो, ठंडी से बचाते हो, गर्मी से बचाते हो, धूलगादर गर्दर बचाते हो, ऐसे घर में आपकी जो चीज़ें हैं उनकी रक्षा करो, व्यवस्था करो, लेकिन दवा के समान प्रयोग करो, मोह छोड़ करके प्रयोग करोगे। जब मोह छोड़ कर प्रयोग करेंगे तो तब जो सनातन तत्व है आत्म तत्व, मन उसमें लीन होगा, और उन क्षणभंगुर पदार्थों में डूबा हुआ है मन, तो सनातन तत्व को समझ नहीं सकता है। तो अब मन उलट सनातन हुआ, जो मन अब तक दुनियादारी राग रंग में उलझा हुआ था, सनातन सत्य तत्व स्थिर रहने वाला शाश्वत आत्म तत्व में लीन हो गया। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन की हकीकत समझ में तब आई जब जीते जी मर गया। सत्य को समझना है, सच्चा आनंद प्राप्त करना है, हम जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है तो मरना पड़ेगा। आप प्रश्न कर सकते हो, जब जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है तो मरना पड़ेगा, तो मर जाएंगे तो जीते जी कैसे अनुभव करेंगे। तो ये मरना शरीर का मरना नहीं है, अहंकार का मरना है, अहंता ममता का मरना है। जब तक अहंकार नहीं मरेगा, बाहर से पाने कुछ पाने की कामना नहीं मरेगी, तब तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो सकता, सच्चा आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। जीते जी स्वर्ग का अनुभव करना है। कहा जाता है ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद आदमी स्वर्ग में पहुंचता है, लेकिन किसके मरने के बाद, शरीर के मरने के बाद। यदि शरीर के मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है तो सब तो मर ही रहे, सब तो स्वर्ग, स्वर्ग में तो भी इतनी संख्या बढ़ गई होगी, फिर नो एंट्री पर वोट लगाना पड़ जाएगा ना, आखिर सब तो मर ही रहे हैं। मरने के बाद स्वर्गवासी का टाइटल लग जाएगा, भले भले तुम नरक में जाकर दुख भोगते रहो। भारत में जो भी आदमी मरता है सबके नाम में लग जाता है टाइटल स्वर्गवासी, भले नरक में गया होगा, कहने का रिवाज है स्वर्गवासी।
तो टाइटल वाला स्वर्गवासी काम नहीं करेगा भाई। और लोग टाइटल लगाते भर हैं, समझते सब हैं कि कहाँ गया होगा। मरने के बाद स्वर्गवासी, हमारे पिता स्वर्गवास हो गया, कोई आदमी आया आपके पास शोक संदेश लेकर के, लोग शोक संदेश छपाते हैं छोटा सा कार्ड में काला काला अक्षर में, और लिखते हैं कि हमारे पूज्य पिता का अमुक दिन स्वर्गवास हो गया, हमारी पूजनीय माता का स्वर्गवास हो गया, और कार्ड लेकर आया और आपने पढ़ा कि हमारे पिता स्वर्गवास हो गया, आपने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है आपके पिता स्वर्गवास हो गया, तो नाराज होकर दुखी होगा वो? अरे स्वतः से जाना चाहते हैं ना कि मैं तो भैया केवल कहने भर का है। और जो लिखता है ना हमारे पिता स्वर्गवास हो गया, उसको भी संदेह, पता नहीं नरक में गया होगा तब क्यों लिखता क्या है, हमारे पिताजी का, हमारी पत्नी का, हमारे पति का, हमारे बेटे का, हमारे अम्मू का स्वर्गवास हो गया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए अमुक दिन पूजा किया है। अरे स्वर्गवासी के लिए शांति करोगे कि नरक वाले शांति करोगे? स्वर्ग में गया तो शांति क्या जरूरत है भाई, शांति जरूरत तो तब है जब नरक में गया होगा ना। लिखा है स्वर्गवास में, अब मन लगता है कि कहीं नरक में गया होगा तब शांति करवा लो ना भाई, दोनों है तो यह स्वर्ग काम नहीं करेगा भाई। तो शरीर के मरने पर स्वर्ग नहीं मिलेगा, किसके मरने पर स्वर्ग मिलेगा? अहंकार के मरने पर। मन में जो लोभ है, मन में जो क्रोध है, मन में जो मोह है, ये मर गया आज स्वर्ग। बैर का भाव मर गया, ईर्ष्या का भाव मर गया, घृणा का भाव मर गया, द्वेष का भाव मर गया, क्रोध लोभ काम का भाव मर गया, शेष क्या बचेगा? स्वर्ग। सदगुरु कहते हैं तब जानिया जब जीवत मुआ, सच्चा सुख का अनुभव तब हुआ जब जीते जी अहंकार कामना मर गए, ख्वाहिशें मर गई, देहाभिमान मर गया। अभी कठिन है, जीते जी मरना पड़ेगा। मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक मुर्दा पड़ा हुआ था, उसी के पास एक आदमी लेटा हुआ था जिसका नाम मस्तराम था। उस मस्तराम ने उस मुर्दा से पूछा, मुर्दा मैं तुम्हारे पास लेटा हुआ हूँ, मुझे कुछ बताओगे? मुर्दा ने कहा जरूर बताऊँगा, कि बताओ। मुर्दा ने कहा जैसे देखो मर जा, जैसे मैं मर गया ना, अब कोई चाहे गाली दे, चाहे क्रोध करे, चाहे लात मारे, चाहे जो, मैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम भी मर जाओ मेरे जैसा, तुम भी सुख पा जाओगे। तो कहा था तो क्या आत्महत्या कर लें? ये मरना नहीं है, अहंकार का मरना, मोह का मरना। कोई गाली दे रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, मर जाए मतलब शांत रह जाए, झुक जाए, सहनशील बन जाए, अपने मन को मार लें, बस आनंद आनंद स्वर्ग। ये कठिन है, अपने मन को, अपने अहंकार को मारना कठिन, यही तो साधना का परिणाम है। साधना क्या है और कुछ? साधना कुछ नहीं है, अपने इस अहंकार का विसर्जन ही साधना है। मन का मरना मतलब सहन कर लेना, गम खा लेना, शांत रह जाना, ये जीती जी स्वर्ग का अनुभव करना है, जीती जी मोक्ष का अनुभव करना है। और कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है, घर में ही कला है, पति पत्नी में विवाद, पिता पुत्र में विवाद, सास बहू में विवाद, दोनों में कोई एक मर जाए, शांत रह जाए, कब तक लड़ाई होगी? ताली सदैव दो हाथ से बजती है, उन्होंने कहा तो कहा तो हमने कह दिया, उन्होंने कहा कहने तो हम ना कहते, तो कब तक गाली देगा वो? गाली देने का मजा तब आता है कि हम गाली दे, वो गाली दे, वो गाली दे, हम गाली दे, तब मजा आता है। अब अकेले गाली दे तो कहाँ मजा आएगा? तो मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, सहनशील बन जाना पड़ेगा। अब यही कठिन है, अहंकार मरने को तैयार नहीं होता है। और जिस दिन आदमी ने अहंकार का गला दिया, बस
बाकी कुछ रहा नहीं पाना। तो तब जानिया जब जीवत मुआ, सदगुरु कहते हैं जीवन का मर्म समझ में तब आया जब अहंकार मर गया, अहंता ममता मर गई, मन मर गया, कामना मर गई, शेष क्या बचा? आपका राम बच गया, आपका मोक्ष, आपका कल्याण, आपका परमात्मा बच गया। कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। कबीर साहब कहते हैं सहज सुख में समा जाओ। सहज सुख क्या है? जिस सुख में हमें दूसरे की आवश्यकता बिल्कुल ही ना हो, प्राणी और पदार्थों के संयोग से संबंध से जो सुख मिलता है वो सुख बनावटी सुख है, मिलेगा बिछुड़ जाएगा। दुनिया का कोई प्राणी कोई पदार्थ शाश्वत नहीं, स्थिर नहीं है, क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों से मिलने वाला सुख भी क्षणभंगुर ही होगा। नाशवान पदार्थों से मिलने वाला सुख नाशवान ही होगा, और वो भी क्षणिक असहज, उसमें भी भय बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, लेकिन निष्कामता का सुख, त्याग का जो सुख है, मन के अंतर्मुक्ता का सुख, मन की निर्मलता का सुख, कुछ नहीं चाहिए का सुख सहज सुख है। चाहिए का सुख यहां पीड़ा है, क्लेश है, भय है, चिंता है। नहीं चाहिए का सुख, संतोष का सुख सहज सुख है। असंतोष का जो सुख मिलता है वो असहज है, बनावटी है। मतलब ये समझ लो बाहर से कुछ चाह करके जो आप सुखी होना चाहते हैं उसका परिणाम दुख होगा। सहज नहीं चाहिए, निष्कामता, मन की निर्मलता का जो सुख है वो सहज सुख। साहब कहते हैं वहां समा जाओ, सबसे निष्काम सेवा होगी, काम पूरा करो, प्रेम सबको दो, जो करना है कर्तव्य पालन सबके लिए करना होगा। कर्तव्य छोड़ करके कोई जी नहीं सकता, सेवा का आवश्यकता जिंदगी भर है। जहां हो परिवार में पति है, पत्नी है, भाई है, पिता पुत्र है, उनके लिए जो कर्तव्य है डट करके कर्तव्य का पालन करो, जो बन सकते हो डूब करके सेवा करो, लेकिन अंदर सोचो मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, इनके लिए जो मुझे करना मैं कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारी शिकायत खत्म, सारा क्लेश खत्म, और जो सुख रहेगा निश्चिंतता रहेगी, अद्भुत, ये सहज सुख होगा। आप न डरो न और डराओ, साहब कहते हैं न तो स्वयं डरो न दूसरों को डराओ। डरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे को डराता है, निर्भय व्यक्ति दूसरों को डराएगा नहीं। डरना किस बात का? सबसे बड़ा डर तो आदमी को मौत का होता है, और मौत आएगी रुकेगी, मौत से डर करके कौन अब तक बचा है और कहाँ जाएगा बच करके? इसलिए मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे हम रोक ही नहीं सकते ना। एक बात याद रखना, निर्भय आदमी जीवन में एक बार मरता है, और भयभीत आदमी रोज दसों बार मरता है। हाँ ये हो जाएगा, मर ना जाओ मर ना जाओ, क्या होगा? जीवन में शरीर की मौत केवल एक बार होती है। आपको पोटेटरी में कोई ऐसा आदमी है जो दो चार छह बार मरा हो? एक बार तो मरना है, लेकिन डर डर करके रोज आदमी दसों बार दसों बार दसों बार मर रहा है। साहब ने कहा है मरिए तो मरी जाइए, छूटी परे जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में सौ सौ बार? अरे मरना एक बार मर जाओ, जंजार खत्म। तो साहब जहर खाने को नहीं कह रहे हैं भाई, याद रखना, या रेल में कटने को नहीं कह रहे हैं। मरना मतलब साहब कहते हैं मरिए तो मर जाइए, एक बार अपने अहंकार को मार जाओ, कामना को खत्म कर लो, जो निष्काम हो जाओ, जंजाल खत्म, मन की जो आशा थी, मन की जो वासना है इसको मार दो, जंजाल खत्म। ऐसा मरना क्यों कहे दिन में सौ सौ बार? हाय ये हो क्या होगा, हाय वो क्या होगा, डर डर के तुम दिन में सौ सौ बार मर रहे हो, ये गलत है। शरीर की मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक बार आएगी, लेकिन भय में जीता है आदमी,
डरता रहता है, ये ना छूटे वो ना छूटे, छूटने वाली चीज छूटेगी, जो चीज आपकी है वो कभी छूटे ही छूटेगी नहीं, और जो आपकी चीज नहीं, जो आपकी चीज नहीं है वो मिलकर ही छूट जाएगी, फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। मेरे नहीं रहने पर इन बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, तो ऐसा उपाय करो कि 10,000 साल जी लो भाई, फिर बच्चों का होता रहेगा। बेकार की बात, कल्याण कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी, बंधन कैसे कटेगा, आदमी सोचता है, लेकिन मेरे मरने के बाद क्या होगा। आपके पिताजी मरे थे तो सुख से जिए थे कि नहीं जिए थे, आप भी मरोगे, आपके बच्चे भी आराम से जिएंगे, डरना बेकार। इसलिए गुरुदेव जी भी कहा करते थे, बूढ़े सोचते हैं कि हमारे नहीं रहने पर इन बाल बच्चों का घर द्वार का क्या होगा, जवान सोचते हैं बूढ़ा कम मरे घर के मालिक हम बन जाए, बेकार की बात है। तो डरना नहीं है और दूसरे को डराना भी नहीं, धमकाना भी नहीं है, ऐसा जीवन जियो कि आपको देख करके लोग निर्भय हो जाए, आपको देख करके लोग डरे ना, आपको देख करके लोग रास्ता ना बदले, कहीं छिपे ना, किंतु आपको देख करके लोग अगर दूसरे रास्ते में जा रहे हो तो आपके रास्ते में आ जाए, खुल करके प्रकट हो जाए, आपके सामने आ जाए, निर्भय हो जाए, ऐसा जीवन जीना है। और तभी होगा जब आप स्वयं निर्भय होंगे और आपका व्यवहार सुंदर होगा, तब होगा। न तो डरना है किसी से, न डराना है किसी को, डरना ही है तो ये डरो कि मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे वचन से किसी का अपकार न होने पाए, किसी को तकलीफ न मिलने पाए, इससे डर जाओ बस। पाप कर्मों से डरो, हिंसा हत्या से डरो, बुरे कर्मों से डरो, और बाकी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो होना होगा होगा, होनी है जो होनी है, जो भवितव्य है वो तो होकर रहेगा, उससे डरने की आवश्यकता क्या है। निर्भयता, निर्भयता ही अमरता है, ये बात सदैव याद रखने लायक है। इस पूरे पद में मूल में बात यही है, यमते उलट भये हैं राम, ताकत यमराज उलट करके राम बन गया। कुल बात मन पर केंद्रित है, एक मन ठीक हो जाए बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक मन बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ जाएगा। सबसे चिंता ये करना है कि सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मेरा मन ना बिगड़े। सदैव मन पर निगरानी, मन पर ध्यान, मन पर चिंतन, और मन को अच्छे विचारों में लगा करके रखना। ये मन, एक मन शुद्ध हो गया, जो चाहिए आपको शांति मोक्ष परमात्मा ब्रह्म खुदा गार वो सब मिल जाएगा। एक ही काम करना है, क्योंकि मन हमारे साथ सदैव रहने वाला है, सदैव रहने वाला है, कभी हम मन को छोड़ नहीं सकते, छूटेगा नहीं मन, जो साथ में रहने वाला मन है, यदि वो बिगड़ा हुआ है तो कहीं जाएंगे सुख से जीवन नहीं जिएंगे, वो सुधर गया है तो कहीं जाएंगे दुख आपका पीछा नहीं करेगा। धर्म भक्ति सेवा सत्संग जो करते हैं उसी एक मन को ठीक करने के लिए है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जा, सतगुरु कबीर के, एक मन को ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सारा ध्यान मन पर, मन को ठीक करने पर, मन को एकाग्र करने पर, केंद्रित करने पर, निर्मल करने पर लगाना है। मन ठीक हो गया, जीवन समर जाएगा, सब दुख खत्म हो जाएगा। इसी के लिए साधु संगति, सत्संग, भक्ति पूजा की आवश्यकता है। जो जहाँ है अपने अपने ढंग से पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण कथा कीर्तन जीवन व्यवहार करते हुए मन पर ध्यान दें, मन को शुद्ध करें, निर्मल करें, स्वस्थ करें, और मन को निर्मल स्वस्थ करके सच्ची शांति, सच्चे सुख, सच्चे आनंद का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।